हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून और मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल में। सो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों, आज बात करते हैं नाफरमान मलिक की, वकील साहिबा की। तो मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा और शायद बहुत लोगों ने मिस कर लिया होगा। तो इनकी जो वकील साहिबा है वो ना कुछ डरती हुई नजर आई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों डरती हुई नजर आई हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि वो डरती हुई नजर आई हैं। क्योंकि अभी उनकी कल एक छोटी सी लाइव आई थी, जिस पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो लाइव देखी होगी, कितने लोगों ने नहीं देखी होगी। एक छोटी सी लाइव में वो आई थी और उस लाइव में स्पेशली वो अपने हस्बैंड को शो करती हुई नजर आई और वो ये बोल रही थी कि देखो मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है और मैं अपने फैमिली में बहुत खुश हूँ और आप लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो इसकी उनकी इस लाइन से हम लोग क्या समझे कि वो क्या सोशल मीडिया की पावर से डर गई है। सिर्फ इतनी सी हमने उनके बारे में बात करी और वो अभी से भी डरती नजर आई। तो मैडम, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ गया था जिस दिन आप बड़े शॉक में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नाफरमान मलिक के साथ लाइव में आके हंस हंस के बहन बन के आप बात कर रही थी, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया था। अब आपको भी धीरे धीरे जब इसकी सच्चाइयां समझ में आ रही है, पता चल रही हैं, तो लगता है वकील मैडम भी जो है वो थोड़ी सी डर चुकी हैं। और तो और अपने प्रोफेशन को भी वो वहां पे एक्सप्लेन करती हुई नजर आई कि मेरा प्रोफेशन है, मेरा अगर कोई भी क्लाइंट होगा तो मुझे तो उस क्लाइंट का केस लड़ना ही है, मेरे पास कुछ भी आएगा। ऑब्वियस सी बात है मैम, हम इस चीज के लिए आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, आपकी ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी, उसका केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैडम, जिस केस के लिए हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वो केस तो आपके पास है ही नहीं। तो जब वो केस ही मैम आपके पास नहीं है तो आपने उस केस के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे लाइव पे दे दी, आपने कैसे उस बच्ची के बारे में बात कर लिया जिस बच्ची का केस आपके पास है ही नहीं। और तो और आपकी लॉ में ये मैं आपको तो शायद पता ही होगा, आप इतनी बड़ी जानी मानी लॉयर हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप कराती हैं, तो आपको तो शायद पता ही होगा कि जो केस कोर्ट में होता है उस केस के बारे में डिस्कस ना तो सामने वाली पार्टी कर सकती है ना ही उनका लॉयर कर सकता है। तो आपने कैसे लाइव प्लेटफॉर्म पे आके उस बच्ची का एज डिस्कस कर लिया, किसने आपको ये राइट दिया कि आप आके सोशल मीडिया पे उस बच्ची की एज को डिस्कस करें और उस बच्ची की एज को खोलें। पहली बात तो ये है मैम कि ये सब जानते हैं कि हर कोई अपने क्लाइंट को जो है वो पॉक्सो से बचाने के लिए जो विक्टिम होता है उसकी एज में हेर फेर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि जब किसी पे पॉक्सो लगता है तो वो सीधा आईपीएस की धारा हो जाती है और उसमें जो है वो केस और मजबूत हो जाता है और उस केस की जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी होती है। वहीं पे अगर कोई पॉक्सो का केस नहीं बनता है तो सुनवाई में डिले भी होता है, काफी देर लग जाती है, काफी टाइम लग जाता है। तो इस चीज को हम लोग बखूबी समझते हैं और हर कोई लॉयर अपने क्लाइंट की कोशिश यही करता है कि पॉक्सो ना लगे। लेकिन आपके चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस समय उस लड़की के साथ ये चीज हुई, ये गलत बात हुई, उस समय वो नाबालिग ही थी। आपके अकॉर्डिंग भी अगर हम उस बच्ची की एज ले लें, आज 2023 है और तब भी वो बच्ची नाबालिग के कैटेगरी में ही आती है जब उस बच्ची के साथ ये गंदा काम हुआ। तो मैम, आपको पहले ही इस मैटर से दूर रहना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आपको कौन से केस के लिए हायर किया गया है या आपको किस केस के लिए रखा गया है, लेकिन जो केस आपका था आपको उस केस पे फोकस करना था और आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस चीज को करना था। आप खुद अपनी मर्जी से लाइव आई हैं और अगर आपके बारे में दो चार लोगों ने वीडियोस बना ली और आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिए तो आप पर्सनल लाइफ की दुहाई देती हुई नजर आई कि देखिए मेरा हस्बैंड है और हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ये हमारा काम है और हमें अपना काम करना पड़ता है, तो मजबूरी है मैम आपकी भी, समझते हैं पैसों की मजबूरी अच्छे अच्छों को नीचे कर देती है, अच्छे अच्छी खड़ी हुई डाल को पैसे की मजबूरी जो है वो झुका देती है। तो खैर, आपकी लेन देन की चीजों में हम लोग घुसना भी नहीं चाहते और हम घुसना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन आपसे बस यही है कि अब आप इस मामले से दूर रहिए, आपके जो केस हैं आप उन पे फोकस करिए और हमारा जो काम है हमें वो करने दीजिए। हम यहाँ पे उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए बैठे हैं ताकि उस बच्ची को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं चाहिए होता
तो आज तक भी ये केस जो है वो नहीं चल रहा होता। और जब तक किसी भी बंदे पे केस या तो प्रूव हो जाए या वो उस केस से हट जाए, उसको जो है वो इनोसेंट मान लिया जाए, तब तक वो बंदा गिल्टी ही कहलाता है। और किसी भी बलात्कार के केस में ये अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी बंदे की होती है जिस पे वो केस लगा होता है। तो हम ये नहीं कहते हैं नाफरमान मलिक से कि आके हमें अपने सबूत दो, आपके जो केस चल रहे हैं आप उन केस को लड़ो, लेकिन हम अपना जो काम कर रहे हैं हमारे काम में बीच में मत आइए। जब तक कि ये इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता, हमें भी अपने कानूनी अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल ट्रस्ट है, हम अपनी जुडिशरी पे ट्रस्ट करते हैं और हम जानते हैं लॉ क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि देश में, हमारे देश में इंसाफ लेट ही सही पर इंसाफ मिलता जरूर है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं ताकि उस बच्ची का केस और मजबूत हो और जल्द से जल्द उसको जो है वो इंसाफ मिले। एक गरीब बच्चा जिसकी उम्र, उसकी जिंदगी के वो इम्पोर्टेंट लम्हे आपने छीन लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, और आज ये बोल रहे हैं कि वो बच्ची तो नाबालिग है ही नहीं। वो बच्ची की उम्र क्या आपके हिसाब से उसी साल में रुकी रहेगी? आपने जो करना था आपने उसके साथ कर लिया, तो क्या उसकी उम्र वहीं पे रुकी रहेगी? उसकी उम्र आगे बढ़ेगी नहीं, उसकी उम्र आगे बढ़ेगी ना। लेकिन आप लोगों ने उसकी जिंदगी जो बर्बाद कर दी है, उस उम्र में उसको जो कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लोगों ने कटवा दिए, देखिए इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। और इसका जो सजा है वो हम आपको नहीं देंगे, इसकी सजा आपको कोर्ट ही देगी। और हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उस बच्ची को न्याय जल्दी से जल्दी मिले, हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं और यही अवेयरनेस फैला सकते हैं। बाकी रही आपकी वकील की बात, तो आपकी वकील तो खुद डरती हुई नजर आ रही है। आई डोंट नो कि वो आगे आपका केस किस तरीके से हैंडल करेंगी, क्योंकि जहां तक मैं कहती हूँ आपको कभी भी कोई प्रोफेशनल लोग मिलते नहीं है। आपका केस कोई भी प्रोफेशनल लॉयर पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपके केस में इतना गंद भरा हुआ है, इतना गंद भरा हुआ है ना कि कोई उस गंद को अपने हाथ में लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो जिन मैडम ने आपका केस पकड़ा है, तो देखते हैं वो मैडम भी आपका केस किस तरीके से हैंडल करती हैं और क्या करती हैं। खैर, हमारी आप दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि लॉ को जो है वो मजाक ना बनाया जाए, एक दायरे में रह के चीजें करी जाए। हमें शायद आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इन सब चीजों का खुद ध्यान रखती। आपको कोई राइट नहीं है और किसी को भी कोई राइट नहीं है जब तक कि ये केस प्रूफ नहीं हो जाता मलिक को इनोसेंट बोलने का, क्योंकि ये केस अभी चल रहा है। तो आप कोई भी डिक्लेरेशन देने वाले नहीं होते कि वो बेगुना है, ठीक है? तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी वकील मैडम के बारे में, जो कि टूर पे अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए निकली हुई थी। वहां पे उन्होंने फटाफट से एक छोटी सी लाइव आई, फिर उन्होंने वो लाइव तुरंत बंद कर लिया। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो लाइव देखी होगी, लेकिन मैं उस लाइव का पार्ट थी, तो मैंने उनकी वो हालत देखी जो वो हमारी सपोर्टर्स की फैमिली से ना, हम जो एक साथ इतना कुछ कर रहे हैं, इससे सकपकाती हुई नजर आई, डरती हुई नजर आई, अपने आप को क्लियर करती हुई नजर आई, क्योंकि बात यहाँ पे उनके प्रोफेशन पे आ गई है। तो मैडम, अपने प्रोफेशन को आप बचाइए, अपनी रिस्पेक्ट को आप बचाइए, इसीलिए ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिए कि वो बैकफायर आपके ऊपर ही हो जाए। आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे और आगे से कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, दूर रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।